अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, हमारा माशाल्लाह देसी घी बनके कितना अच्छा तैयार हो गया है। और आप, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे, रफ़ टफ़ लाइफ में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ देसी घी बनाने का तरीका शेयर करूंगी और कितनी मिलाई से कितना देसी घी बन सकता है ये भी आपसे शेयर करूंगी। मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। मैं ये भी आपको बताऊंगी कि ये असली दूध की मिलाई है या नंबर दो की, इसका क्या फ़र्क है, ये सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर तकरीबन 4 किलो के करीब है ये मलाई जो जमा की हुई है, और इसको मैं अच्छे तरीके से 7 मिनट बीट करूँगी। बीट करने के बाद इसमें ठंडा यख पानी डाल के तो फिर इसको हल्का हल्का बीट करेंगे। 4 मिनट और लग जाएंगे इसको इस हैंड मिक्सी से बीट करते हुए। और देखें जी, माशाल्लाह ऐसा बटर जब तैयार हो जाएगा तो मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। फ्रिज में रखने के बाद ये ठंडा हो के बिल्कुल सख्त हो जाएगा ना, फिर इसको हम हाथ की मदद से, अच्छा इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने एक साथ बनाया तो मेरे हाथ बहुत ठंडे बर्फ़ हो रहे थे, इसलिए इतना नहीं जमा करनी आपने। बस 1 किलो मलाई जमा हो जाए तो उसको वो क्या करें, मिक्स करके उसका बटर बना लेना हैंड मिक्सी से। अच्छा, जूसर में भी बन सकता है लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा मलाई डालनी पड़ती है, थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है, तो हैंड मिक्सी से एक ही दफ़ा बड़े से पतीले में डाल के आप कर सकते हैं ना, इस तरह आसानी हो जाती है। चलें जी, और ये असली है या नकली, तो दूध को बॉयल करने का तरीका और ये सारा कुछ फिर शेयर करूँगी जो कि मुझे पहले शेयर करना चाहिए था, लेकिन मैं बटर को तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ। देखें माशाल्लाह कितना ज़्यादा बटर हमारा निकल चुका है। इसको हम हीट पे रखेंगे, इस तरीके से हीट अप करेंगे और बहुत तेज़ हीट पे नहीं करेंगे, हल्की सी हीट पे करेंगे। जब इतना बॉयल आ जाए तो बिल्कुल 0 फ्लेम पे इसको रख देंगे ताकि ये आराम से पक पक के हो जाए सेट। अच्छा, ये पक पक के सेट हो गया था, इसको मैंने फ्रिज में रखा पूरी नाइट के लिए। तो अब मैं इसमें से लस्सी निकालूंगी और वो किस तरीके से निकालूंगी देखिए। बिस्मिल्लाह, बीच में एक होल कर लूंगी और उसमें से जो बटर है उसको निकाल के साइड पे, घी को इसी बाउल में जिसमें मैंने लस्सी निकालनी उसी में रख लूंगी। मैं ज़्यादा बर्तन नहीं गंदे करती, आप लोगों ने देखा होगा, बस जो ज़रूरी ज़रूरी है वो करना। और एक होल साइड पर कर दूँगी, पूरा होल नहीं इसमें से निकालूँगी नहीं, बस सिर्फ चम्मच से एक इसमें होल हो जाएगा ना। और ये सारी मलाई वगैरह घी वगैरह मैं इसी बॉल में निकाल लूँगी और इस तरीके से उंडेल के हम सारी लस्सी निकाल लेंगे और इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, ना ही मैंने पहले वाली लस्सी ज़ाया की है जो बटर बनाने के बाद हुई थी। उसको भी आटा भी गूंद सकते हैं, दही का जाग लगा के उससे कढ़ी भी बन सकती है, खीर भी बन सकती है, और इस वाले से भी मैं आटा गूंद लूँगी ना। अच्छा देखें, लस्सी मैंने बाहर निकाल ली है तो इस घी को वापस हम चम्मच से उसी पैन में डाल देंगे और इसको फिर मैं इतनी देर कुक करूंगी कि इसके अंदर जो हल्की फुल्की लस्सी है वो भी जल जाए और प्लस नीचे हल्की हल्की सी रोड़ियाँ सी बन जाए ना। ये इतनी हीट पे इसको मैं रख दूंगी और ये इसी हीट पे आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होता रहेगा और पकता रहेगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। देखें आप, पोजिशन ये, अब ये। अच्छा, इसके अंदर ना वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी स्मेल नहीं होती, लेकिन अगर किसी को हीक आती है तो बीच में 3-4 लौंग डाल दें और हाफ़ से भी कम चम्मच नमक ऐड कर दें तो इससे इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घी में कभी भी मुझे फील नहीं हुआ स्मेल ना, ना ही किसी ने कहा। दूसरों से भी मैं चीज़ें इस तरह एक दूसरे से शेयर करती रहती हूँ ना, तो वो भी कहते हैं कोई स्मेल नहीं होती, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा घी बनता है। अच्छा, इसके असली मक्खन होने की पहचान ये है कि अब आप इसको, लस्सी निकाल ली है सारी, फिर भी थोड़ी बहुत लस्सी रह गई है वो पकने पे जल जाएगी, जल के कभी ऐसा नहीं होगा कि बेस में आपके पास पाउडर बचे, आपके पास थिक सा मटेरियल बचेगा। अभी थोड़ी देर में मैं वो भी आपको शो करवाती हूँ। तो उसको हम स्ट्रेनर की मदद से या चम्मच की मदद से उठा के सेपरेट कर देंगे। अभी आप देखिएगा जी। अच्छा, अगर आप सेपरेट नहीं करना चाहते तो हल्की हीट पे पड़ा रहने दें, पड़ा रहने दें, वो सारा इकट्ठा हो के सुरख सा एक मटेरियल बन जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जला सा काला सा पाउडर नीचे बच जाए। जब भी आपके पास
वो मटेरियल ना बचे और पाउडर पाउडर बचे, बिल्कुल आप चम्मच से उठाओ तो आपको पता चले ये पाउडर शेप है, इस तरीके का थिक सा ही है, तो मैं इसको और थिक होने दूंगी और फिर मैं इसको निकाल लूंगी। ये प्लेट मैंने पास रख ली हुई है, चम्मच बार बार मैं इसी में रख देती हूँ। देखें माशाल्लाह कितना शफाफ हमारा ये घी, देसी घी तैयार हो रहा है। ये भी देखें थिक होने लग गया है। अब इसको इस तरीके से मैं थिक थिक निकाल के प्लेट में रख लूँगी और फिर अच्छा, अगर ये दो नंबर होता तो ऐसा मटेरियल कभी भी थिक सा नहीं होना था। अगर मैं इसको इसी पैन में छोड़ दूँगी, कुक होने दूँगी, तो ये एक डार्क सा ब्राउन सा हो जाएगा। जैसे अब कुछ नहीं मैंने निकला था तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नीचे बेस में पड़ा, आपको नज़र आ रहा है ना, ये इस तरीके का बन जाएगा। तो यही असली बटर की पहचान है। अगर ये पाउडर फॉर्म में बचेगा तो ये असली नहीं है, बिल्कुल भी असली नहीं है। आप जिससे भी दूध लेते हैं बंद कर दें, दो नंबर दूध पीने से बेहतर है अच्छी क्वालिटी का मिल्क पैक, टेट्रा पैक, इस तरह का यूज़ कर लें, पाउडर फॉर्म में यूज़ कर लें, जो भी कर लें, तो वो कम अज़ कम खालिस तो होगा, दो नंबर चीज़ तो नहीं होगी। ये तो नहीं होगा ना कि पता नहीं क्या डाला हुआ है। अच्छा जी, इसको अब हम एक बॉटल में, मैंने ये ग्लास जार लिया है, इसमें भर के रखूँगी। ये मुझे बड़ा प्यारा सा मिल गया था कि मैंने एक कैश एंड कैरी से लिया था, तो इसमें भर के रख दूँगी। और इसको मैं स्ट्रेन भी नहीं कर रही कि ऊपर ऊपर से इस चमचे की मदद से मैं इस बॉटल में भर रही हूँ। बाकी ये देखें माशाल्लाह जी, ये हो गया हमारा कंप्लीट डन। इसको मैं फुल नहीं भरूँगी क्योंकि उठाना भी होता है, चीज़ को यूज़ भी करना होता है, तो ऐसे ही गिरती रहे, बस इतना ही भरूँगी। देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। और बाकी को हम छान लेंगे, छान के किसी और बर्तन में डाल लेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।